हेलो बच्चों, यहाँ पे हॉर्स है, काऊ है। ये हॉर्स क्या है, दौड़ रहा है। यहाँ पे काऊ कुछ तो भी ग्रास खा रही है। देन ये जो आदमी ये कुछ सामान लेके जा रहा है और गैस पे दूध रहा है। यहाँ पे कुकर रखा हुआ है। तो देखो व्हाट इज मीन बाय मोशन एंड व्हाट कॉजेस अ चेंज इन मोशन। तो देखो वी हैव सीन दैट अ चेंज ऑकर्स इन द मोशन और शेप ऑफ बॉडी व्हेन force acts on it. Now let us see how work is done when force acts. Means किसी भी body या किसी भी ऊपर आप force act करोगे तो उससे motion आ जाएगा या फिर उस body को shape मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे distance and displacement अभी हम पढ़ते हैं। देखो तो क्या है, रंजित हाउस इज एट प्लेस ए। यहाँ पे रंजित का हाउस है। द फिगर अलॉन्ग साइड शोज द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय रंजित टू रीच हिज स्कूल एट डी। मीन्स यहाँ डी तक उसे पहुंचने में कितना लगता है वो अभी हम देख रहे हैं। देखो इफ यू डू नॉट टेक डायरेक्शंस इनटू अकाउंट वी फाइंड दैट रंजित ट्रांसफर अ डिस्टेंस इक्वल टू ए बी। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी तो कितना है 700 और 300,000 तो 1500 किलोमीटर, 1500 मीटर ये हो गया। ओके, हाउएवर ऑन डूइंग दिस हिज डिस्प्लेसमेंट वाज इक्वल टू ए डी। मीन्स उसका इक्वल करेंगे तो वो ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी यही हो जाएगा। So Ranjit displacement from his house to the school is shown in the picture with the broken line AD. ओके, ये AD लाइन के साथ क्या दिया है वो दिया है। तो AD is the minimum distance along a straight line from Ranjit's house to the school. तो देखो the minimum distance traversed in a particular direction along a straight line is called as displacement. मीन्स जो कि मिनिमम डिस्टेंस रहता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद स्ट्रेट लाइन तो उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखो अभी डिस्टेंस का देखते हैं। अ लेंथ ऑफ अ रूट एक्चुअली ट्रैवर्स बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मीन्स जिसमें डायरेक्शन का कुछ भी पार्ट नहीं लिया जाता है, सिर्फ उसका जो डिस्टेंस ट्रैवर्स करती है बॉडी वो कंसिडर होता है, उसे बोलता है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर quantity. Next displacement. The minimum distance traversed by moving body in one direction from the original point to reach the final point is called the displacement. The minimum distance traversed by moving body in one direction means एक direction में from original point to end point is called the displacement. Displacement में direction consider की जाती है, वैसे distance में direction का कुछ भी meaning नहीं आता है। तो देखो in displacement both distance and directions are taken into account. Therefore, displacement is a vector quantity. देखो, अभी the unit of measurement of distance and displacement is the meter in the SI as well as in the MKS system of the measurement. तो velocity क्या रहता है? देखो, velocity is the distance traversed by a body in specific direction in unit time. The velocity of body can be calculated by the following formula. तो velocity is equal to displacement upon पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट में जितना टाइम लगने वाला है वो डिस्प्लेसमेंट को वो टाइम रहता है डिवाइड बाय। तो देखो व्हाट इज मीन बाय स्पीड एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्पीड। व्हेन वी से दैट द स्पीड ऑफ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन बट टू प्रेडिक्ट वेदर अ स्टॉर्म विल रीच अ पर्टिकुलर प्लेस और नॉट अ मेंशन ऑफ इट्स डायरेक्शन इज इसेंशियल। इसलिए डायरेक्शन बताना भी जरूरी। तो लेट्स फाइंड द यूनिट्स, राइट द फॉर्मूला स्पीड। ओके, राइट द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज। तो पहले स्पीड और देन वेलोसिटी का हमें याद रखना। द यूनिट ऑफ स्पीड, जो भी यूनिट है स्पीड और वेलोसिटी इज रिटन एज अ मीटर पर सेकेंड। ऐसे बोलते हैं मीटर्स पर सेकेंड। तो देखो let us now the above formula to find out Ranjit velocity and speed when he goes to school as shown in figure 7.2। मीन्स जो यहाँ पे फिगर दी थी, देखो ये जो फिगर दी थी ना तो इसके थ्रू अभी हम ये मेजर करने वाले हैं। तो देखो द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय रंजित फ्रॉम होम टू स्कूल इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी तो कितना हो गया 1500 मीटर। टोटल टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल 8 मिनट प्लस 11 मिनट प्लस 6 मिनट इज इक्वल टू 25 मिनट्स। देखो मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। देखो यह है 500 मीटर को 8 मिनट लग रहे हैं, देन 700 को 11 मिनट और 300 को 6 मिनट तो उसे लग रहे हैं टोटल 25 मिनट टू ट्रैवल द डिस्टेंस 1500 मीटर। तो देखो रंजित डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल एडी इज इक्वल टू 1000 मीटर। Thus, Ranjit velocity when going from home to school. तो अभी हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000 मीटर, टोटल टाइम कितना लग रहा है 25 मिनट्स, तो क्या हो गया 40 मीटर्स अपॉन 60 सेकेंड। तो हम क्या बोल सकते हैं 0.66 मीटर पर सेकेंड। तो ये है वेलोसिटी है रंजित की। अभी हम स्पीड देखते हैं रंजित का स्पीड। तो स्पीड में क्या आता है डिस्टेंस ट्रैवर्स, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवर्स किया है, तो 1500 मीटर और टाइम कितना लगा 25, तो 60 मीटर अपॉन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो उसका जो स्पीड था वो 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा था, राइट। तो ये हो गया स्पीड और ये हो गया वेलोसिटी। नाउ रंजित डिड नॉट टेक द स्ट्रेट रूट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस व्हाइल गोइंग टू स्कूल, therefore the magnitude of his velocity and speed came out to be different. Had Ranjit actually gone by the straight route AD, then the magnitude of his velocity and speed would have been the same. अगर वो उसी रास्ते से जाता जहाँ पे वो straight line दी तो velocity और speed दोनों भी same ही आता। अभी average velocity and instantaneous velocity. तो देखो the velocity of an object can change even while it is moving along a straight line. वेलोसिटी चेंज हो सकती है वो एक लाइन में भी चल रही। तो सपोज दैट अ ट्रक इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम ए टू डी इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 40 किलोमीटर। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर। देखो यहाँ पे ट्रक है, ये ए टू डी पॉइंट और ये टोटल 10 + 10 + 20 कितना होगा 40 किलोमीटर। इफ इट रिक्वायर्स ऑल टूगेदर 1 hour फॉर दिस, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर। However, if the truck traverses the 10-minute distance AB in 10 minutes, BC in 20 minutes, and CD in 30 minutes, then तो देखो वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस AB इन किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट, क्योंकि AB को कितना लग रहा है 10 किलोमीटर को 10 मिनट लग रहा है, तो 60 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, राइट। नाउ डिड्यूस द वेलोसिटी फॉर द deduct the velocities from distance BC and CD. Okay, we see that velocity of truck is different in the different segment of road AB, BC and CD. However, the average velocity for the entire route AD is 40 km per hour. The velocity of a particular moment of time is called instantaneous velocity. Means एक particular moment के लिए जो velocity उसे instantaneous velocity बोलते हैं। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम, सो इसलिए वो डिफरेंट रह सकती है डिफरेंट टाइम पे। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन इन द प्रीवियस एग्जांपल द ट्रक कवर द डिस्टेंस ए बी एट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, बी सी एट 30 किलोमीटर पर आवर and CD at 40 km per hour. So it means that velocity of CD is greater than the velocity for the distance BC. Means CD की velocity ज़्यादा है compared to BC. Okay. So from the number of seconds required for this change in velocity to take place, the change in velocity per second can be deducted. This is called acceleration. So acceleration means क्या रहता है, देखो फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। मीन्स जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है और चेंज होने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्यों होता है। तो यू नो दैट ट्रक ड्राइवर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ ट्रक बाय मीन्स ऑफ एक्सेलरेटर, राइट। अपना एक्सेलरेटर देखा है ना। सो यू माइट हैव सीन अ टॉय कार दैट रन्स ऑन अ क्लॉकवाइज स्प्रिंग. When it is released on a flat floor after winding up the spring, it goes a straight line. Okay. So, however, when it is hit on one side, it changes the direction and keep going. तो direction change करती है और आगे जाती है. If it collides into wall, अगर वो wall को टकरा गई, तो वो stop हो जाती है. So it means that its velocity changes. उसकी velocity क्या हो रही? Change हो रही ना वहाँ पे, वो stop हो गई. How did this change takes place? It happens because the car comes into contact with the something external to it. On a football ground, how does the direction of ball moving in straight line change? We see some player changing its direction by kicking it. क्या होता है उसको kick करने के बाद वो direction change कर जाता है. So when its direction changes, the velocity of ball also change. Okay, so that is to say an acceleration takes place. The interaction that brings about the acceleration is called the force. फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। मीन्स एक्सेलरेशन लाने के लिए जो इंटरेक्शन होता है उसे फोर्स बोलते हैं और वो फोर्स बॉडी पे एक्ट होने के बाद एक्सेलरेशन हमें मिलता है। नेक्स्ट, यूज ब्रेन पावर। सो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये अभी हमें करना है। तो देखो, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। टेक अ ग्लास मार्बल and let it roll on the big smooth table pot. Okay, after some time its velocity will decreases and it will stop. धीरे-धीरे velocity कम हो जाएगी और वो stop हो जाएगी. So on a carom board too, the carom coins pushed by a striker will move forward some distance and then come to stop. If the coin is pushed after applying the talcum powder to the carom board, it will keep moving for a longer time and then come to a stop. So what can we refer from this? तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? देखो, पाउडर डालने के बाद वो स्ट्राइकर ज्यादा देर तक घूमता है, बट पाउडर नहीं है तो वो कम टाइम में स्टॉप हो जाता है। तो देखो यहाँ पे, देखो आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हुए। द वेलोसिटी ऑफ कॉइन डिक्रीजेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे जितना फ्रिक्शन ज्यादा उतनी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है एंड कॉइन स्टॉप हो जाता है। If the friction between carom board and coin is reduced, अगर friction कम कर दिया तो coin क्या होता है? Continue keeps moving for a longer time. It would mean that if no force of friction is acting on moving body, it will keep on moving with a constant velocity. अगर कोई भी force of friction नहीं है तो वो continuously move होता रहता है। The scientist sir Isaac Newton was the first to study force and resulting acceleration. So Newton's first law of motion. If no force is acting on a body, its velocity does not change. That is, the body does not accelerate. अगर वो force apply नहीं हो रहा है किसी body पे, तो velocity change नहीं होती, और velocity change नहीं हुई तो body does not have accelerate, right? In other words, if a body is stationary, it will remain stationary. If it is in motion, it will continue moving with the same velocity. अगर stationary तो as it is रहेगी, और अगर वो moving है इन द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन तो वो कंटिन्यू वैसे ही रहेगी, सेम ही वेलोसिटी रहेगी और सेम ही डायरेक्शन में रहेगी। यू हैव लर्न व्हाट इज मीन बाय फोर्स। यू हैव सीन दैट अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू द फोर्स। सपोज यू प्लेस द 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट, सी द चैप्टर ऑन मेजरमेंट्स, ऑन अ सरफेस विद नो फ्रिक्शन एंड पुल इट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? ओके, तो फोर्स क्या है? वेक्टर है क्या? तो देखो, ट्राई दिस, प्लेस अ वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑन अ स्मूथ वुडन टेबल। ये देखो यहाँ पे एक क्या लिया, वुडन, 1 किलोग्राम का वेट लिया है ऑन स्मूथ वुडन टेबल। स्प्रेड सम टैल्कम पाउडर इवनली ऑन द टेबल। नाउ पुल द 1 kg वेट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Again pull it with an acceleration of 2 meter per second square. It means that now you have applied a force of 2 Newton. You will have to take many trials for this experiment. Force is measured by acceleration that it produces. We have learned about the relationship between the displacement of a body resulting from the force applied to it and work done. We have also learned about the work energy relationship, and the ability to do work is called as energy. मीन जो एबिलिटी रहती है वर्क करने की उसे एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखो, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क। इन द फिगर अलॉन्ग साइड अ स्ट्रिंग अटैच टू अ वुडन ब्लॉक। देखो, ये वुडन ब्लॉक को क्या, एक स्ट्रिंग अटैच की है ऑन अ टेबल। इज पास ओवर द पुली, पुली के थ्रू उसे पास कर रहे हैं, एंड टाइड टू अ वेट। ऑन अप्लाइंग अ सफिशिएंट वेट द ब्लॉक विल बी सीन टू मूव। मीन्स यहाँ पे एक सफिशिएंट वेट अप्लाई किया तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड हियर, यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? हाउ कैन दिस फोर्स इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन ऑन द अप्लाइंग मोर फोर्स, व्हेन कैन वी से दैट वर्क इज डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ओके, हम कब बोल सकते हैं कि वर्क डन हो गया, या फिर कब फोर्स इंक्रीज हो रहा है? अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सब हम देखते। देखो, इफ द ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड, अगर ब्लॉक फॉरवर्डली मूव होता है, वी कैन से दैट इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड, राइट? वो डिस्प्लेस हो गया ना। ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट वी से दैट फोर्स हैज डन सम वर्क। तो फोर्स ने अपना खुद का काम कर दिया क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गया। सो कैन वी मेजर दिस वर्क? वी नो दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. So the following formula express this relationship. So work done by force, W. Okay, so force applied to the body, जो force apply किया है वो into displacement of the body that takes place in the direction of force. So W is equal to F into S. In the SI system, the unit of work is joule, while the unit of force is Newton. Right? वर्क का क्या है? जूल है. और फोर्स का क्या है? न्यूटन. एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या है? मीटर. एंड इन CFG सिस्टम द वर्क यूनिट ऑफ वर्क इज ERG. So if a force of 1 Newton parallel to the surface of table is applied to a wooden block on the table, the block is displaced by 1 meter. Then it can be said that the force has done 1 joule of work. In this example, the displacement is in the direction of force. ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो फोर्स के डायरेक्शन में हुआ. तो इस तरह से हमने अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर